हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु ज्ञानम में। फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी तक क्या क्या कर लिया है, पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हम लोग ने क्या क्या कर लिया, हमने अभी क्या कर लिया है। आपका डाइस हो गया है, डाइस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वैसे ही हमने क्यूब भी कंप्लीट कर लिया है। क्यूब के डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इस पर हम लोग कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड क्वेश्चंस तीनों कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको ये दोनों पहले जा करके कंप्लीट कर लीजिए, जो भी आज नए आए हैं वो जा करके ये दोनों आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के कोड्स जो भी आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट या किसी भी एग्जामिनेशंस में, ठीक है, उस पर डिफरेंट टाइप के कोड्स कैसे बनते हैं और उन कोड्स बने हुए कोड्स को हम लोग कैसे डीकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपको कुछ सिखा करके रहेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे। और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार मन से प्रार्थना करेंगे, ठीक है, कि जो कोविड की सिचुएशन यहाँ पे चल रही है उसको जल्द से जल्द क्या करे गवर्नमेंट, उस पर कुछ एक्शन ले और जल्द जो भी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है उसका हम लोग को रिजल्ट मिले और सिचुएशन जल्दी से रोकथाम हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करें, एक चीज़ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। सबको ये पता होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पता होगा, ठीक है। अगर हम किसी भी, जैसे आप स्टार्ट होता है कुछ भी, आप जब भी बच्चे होते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं पढ़ने, पढ़ना लिखना, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी बच्चों से हम लोग कहते हैं, क्या बच्चे सुनाओ ए बी सी डी सुनाओ। अगर बच्चा ए बी सी डी 4 साल 5 साल का बच्चा ए बी सी डी सुना देता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ भाई बहुत अच्छा लड़का है, ये वो ए बी सी डी आता है, ठीक है। तो यही ए बी सी डी ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ए बी सी डी पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी पढ़ेंगे और आज तक जो आपने ए बी सी डी के बारे में और भी कुछ नहीं जाना वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले स्क्रीन पे लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी एच आई जे के एल एम जे के एल एम, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये एक गाना था, उसको मैंने गाने के फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है। तो मैं आप लोग भी इसी तरीके से कुछ याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे टाइप का गाना है, ठीक है। और उसके आगे मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद ही जानिए, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। इतना तो हमें आता है, गाना भी आता है और ये हमने बचपन में भी पढ़ा है, लेकिन अब क्यों आ गया भाई, अब तो हम ग्रेजुएट हो चुके हैं तो क्यों आ गया है, हमें यही तो सीखना है, कोडिंग सीखनी है। क्या कोडिंग सीखनी है, देखिए ए ए फॉर ए को हम लोग पोजिशन, जैसे ए बी सी डी तो हमें आता था और हमें क्या आता था कि भाई इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक। लेकिन आज तक हमने किसी के पोजीशन के बारे में इतना डिटेल स्टडी नहीं किया है। ए को पोजीशन 1, बी को पोजीशन 2, सी का पोजीशन 3, डी 4, ई क्या है 5th पे, एफ क्या है 6th पे, जी किस पे, ठीक है 7th पे, एच किस पे 8th पे, आई 9th पे, जे 10th पे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, ठीक है। इन सारे पोजीशंस को क्या करना है, सिर्फ लिखना नहीं है, इन सारे पोजीशंस को आपको एक बार याद भी करना है, ठीक है। और याद कैसे होगा, ऐसा नहीं कि हम बैठ गए F6 EF E5 D4 ऐसे ऐसे करने से नहीं याद होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते रहेंगे आपको धीमे धीमे क्या होगा, पोजीशंस क्या है याद होने लगेंगे, ठीक है।
और एक और चीज़ इसके थ्रू मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने पोजीशन तो बता दिया, अब कोई कोई मुझे समझाए कि भाई इसको तो मैंने इस ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, इसको मैंने इस ऑर्डर में लिखा है और यहाँ से मैंने इस ऑर्डर में क्यों लिखा है, इसका भी रीज़न है फ्रेंड, क्या रीज़न है। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ पोजीशन ही नहीं, आपको सिर्फ पोजीशन ही नहीं भी याद करना है, आपको पोजीशन के साथ साथ इसके अपोजिट में क्या आता है वो भी याद करना है। ठीक है, जैसे कि ए के अपोजिट में क्या आएगा, जेड आएगा, आपने इसको याद कर लिया। ठीक है, एक और चीज़ देखिए, ए का पोजीशन 1, जेड का पोजीशन 26, ठीक है, तो दोनों का सम कितना आ रहा है, जो भी अपोजिट आएगा उसका पोजीशन का जो सम होगा वो 27 होगा। एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, इसको मैं पहले मिटा दे, 27 होगा। ओके, अब बी को देखते हैं, बी के अपोजिट में क्या है, वाई, ठीक है, बी की पोजीशन 2, वाई की पोजीशन 25, इन दोनों का समेशन जो हो रहा है वो भी 27 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को धीमे धीमे याद करना है। ठीक है, सी सी के एक्स के साथ है, ये 24 पे है और ये 3 पे है, एक दोनों का सबमिशन 27 है। तो जो भी अपोजिट पेयर है, क्या है, जो भी अपोजिट पेयर है उनका जो सबमिशन है, अपोजिट पेयर का सबमिशन, ठीक है, अपोजिट पेयर का जो भी सबमिशन है वो कितना आएगा, वो आपका 27 आएगा। इस चीज़ को आपको रट लेना है, क्या करना है, रट लो, क्या कर लो, रट लो, ठीक, समझ गए, इस चीज़ को रट लो। ये छोटी सी चीज़ है कि जो भी अपोजिट पेयर होगा उसका जो सबमिशन होगा वो आपका क्या आएगा, 27 आएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पोजीशन पोजीशन को रटते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं हर चीज़ बता दे रहा हूँ, कुछ लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी सॉरी यू, इसको हम मिटा देते हैं, कन्फ्यूज रहेंगे, हाँ यू यू है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जब आप इस तरीके से लिखते हैं, जैसे एग्जामिनेशन से पहले क्या करते हैं, रफ कॉपी जो भी मिलती है एग्जामिनेशन के बाद, जो भी जब जब स्टार्ट हो गया तो रफ कॉपी पे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, और ये तुरंत लिखा भी जाता है। अब उसके बाद वो पोजीशन जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, समझ लीजिए कोई इसको पूछता है तो 10, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, ठीक है, इसको कोई पूछा, ठीक, 15 यहाँ से आपको दिख गया, 15, 16, 17, 18, ठीक, कोई ये पूछा, ठीक है, आप ये पूछा तो आप कैसे जा सकते हैं, कोई एक्स पूछता है तो आप कैसे जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से आप जाएँ 20, 21, 2, 3, 4, 24 हो जाएगा, और इस तरीके से जाते 25-1 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लोग पोजीशन को याद कर लेते हैं, ए बी सी डी ई अपने कॉपी में लिख लेते हैं, ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और वरना फिर क्या है कि आप धीमे धीमे जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे आपको क्या होगा, धीमे धीमे सबकी पोजिशन याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी पोजिशन इम्पोर्टेंट है याद करना, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं, चीज़ें उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले हम लोग इसी में थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं, जैसे कि समझ लीजिए आपसे एम पूछता है, तो एम को आपको क्या करना है, ठीक है, 5, क्योंकि ये 5-5 का पेयर बन रहा है ना, देखिए 5 का पेयर है, ठीक है, तो 5 × 2 = 10 तो हो गया, फिर तुरंत आपने 11, 12, 13 पे आया तो एम को आप 13 पे कर दिए। आर कोई पी क्या बोलता है तो आप जान गए कि भाई ये 15 + 1 = 16 पे आ गया। क्यू का बोलता है, ठीक है, तो 15 + 2 = 17 पे आ गया। ठीक है, कोई जी का बोलता है, जी किस पे आ जाएगा, 5 + 2, कोई बोलता है वी का बोलता है तो वी आपका आ जाएगा 20 + 2, 22 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिससे आप पहले कॉपी में लिख सकते हैं और जल्दी से उसकी पोजीशन को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या तरीका है जिससे हम लोग अपोजिट पेयर कौन क्या 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 हमें याद करना है, कौन कौन से लेटर्स को हमें याद करना है, अपोजिट पेयर कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी तरीका है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।
और जो भी अभी तक चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और भी वीडियोज़ डालने के लिए। थैंक यू।